हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे गार्डन की कुछ हालत दिखाऊंगी। जो समर आ रही है, तो समर आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर तो बहुत हालत ख़राब है मेरे गार्डन की। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो चलिए मैं दिखाऊँगी। और अब इसे किस तरीके से थोड़ी गर्मी से बचाई जाए इन पौधों को, ताकि इन्हें भी थोड़ी आराम मिले। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि क्या हालत है। अभी थोड़े बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि धूप के कारण कितनी सूख गई है। ये देखिए, ये वाली, इसमें कलियाँ भी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ देखिए इन सब की हालत क्या है। इन सबों को मैंने कटिंग किया था, तो थोड़े बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये इसकी हालत देखिए क्या हो चुकी है, बहुत ख़राब हालत है। अब इन पौधों को थोड़ी सी तो देख रेख करनी पड़ेगी। और ये देखिए, पिटूनिया में अभी भी फ्लावर्स हैं, लेकिन अब बहुत कम हो रहे हैं फ्लावर्स। ये दोस्तों डेलिया, देखिए डेलिया के कलर कितने, डेलिया खिल रहे हैं, लेकिन कलर इसके जो है वो फेडेड हो चुके हैं काफ़ी। जो कलर, इतने खूबसूरत कलर थे, लेकिन वो भी फेड होते जा रहे हैं। यहाँ एक डेलिया, इसकी हालत देखिए, ये पूरी सूख चुकी है। तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि ये खिले हैं, लेकिन फिर भी इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और अगर आप गुलाब देखें, तो ये देखिए बहुत जल्दी सूखते जा रहे, इतनी गर्मी है। और ये देखिए इनकी, गुलाब जो खिले हुए हैं, इसकी साइज़ भी बहुत छोटी हो चुकी है गर्मी के कारण। ये वाली भी डेलिया एक खिली हुई, लेकिन इसके कलर में भी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये मतलब लाइट हो गए हैं गर्मी के कारण। और पौधों की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों, देख कर बहुत ख़राब लग रहा है। तो आज मैं, ये देखिए इसमें पिटूनिया काफ़ी आए हुए हैं, पिटूनिया अभी भी है, लेकिन थोड़ी सी अगर इसे सेट में हो जाए तो कोलियस के भी पत्ते थोड़े जल रहे हैं। इतनी धूप हो रही है कि क्या बताएं दोस्तों, काफ़ी धूप हो रही है। तो इसे मैं आज मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर, हाँ मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी दोस्तों इतने सारे को सेट। ये देखिए दोस्तों, मैंने लगा है इस बार खीरा के पेड़, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों खीरा आए हुए हैं छोटे से, बहुत छोटा सा पौधा है, लेकिन इसमें ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ खिल रहे हैं। और भी है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, फ्लावर्स तो बहुत आए हुए हैं, अब देखिए क्या इसमें आते हैं। लेकिन पहले तो मुझे पौधों को ठीक करना है। चलिए मैं और एक जगह के पौधे आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों, पत्तियाँ पूरी जल रही है, फ्लावर्स हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी फ्लावर्स ज़्यादा दिन नहीं टिक पा रहे हैं, सूरज की किरण, मतलब इतनी धूप है, इतनी तेज़ है सूरज के धूप के कारण, क्या है ना कि ये जो मेरे पूरे सूखते जा रहे हैं ये बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे, वो देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे बिल्कुल, वो वहाँ पर भी देखिए, वो नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी हो रहे हैं, खिल रहे हैं, लेकिन साइज़ भी काफ़ी छोटे हो चुके हैं। और ये रहा मेरे पौधों की हालत, मैंने दिखाई। यहाँ डेलिया भी खिले हुए, लेकिन उसमें भी अभी उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर से मेरे गेंदे जो है, मेरी गोल्ड, वो फिर से खिलने शुरू किए, ये नए सारे पौधे फिर से उगाए हैं, और उसमें भी फिर फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और भी चीज़ें दोस्तों। ये जरेनियम है, और जरेनियम की हालत देखिए क्या हालत है, और फिर भी खिल रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे तो नहीं, क्योंकि सूरज कि तेज, आप समझ ही सकते हैं, फूलों को देखने के साथ साथ रोज़ की भी हालत ख़राब है। पर हालांकि यहाँ पे एक एडेनियम है, ये देखिए ये बहुत खूबसूरत खिले, क्योंकि इसका तो अभी सीज़न ही है, ये और भी खिलेंगे दोस्तों।
ये देखिए इसकी जो कलर भी है बहुत खूबसूरत है, और जब ये पूरी तरीके से खिल जाती है ना दोस्तों ये वाली, तो बिल्कुल गुलाब जैसी लगती है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये वाली, ये देखिए कितने खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको दोस्तों, ये जो आप नेट देख रहे हैं ये वाली जो है ये अब लगाने वाले हैं हम लोग सेट के लिए। तो इसकी काफ़ी क्वालिटी है, ये जो हमने लाए हैं ये काफ़ी गॉप्स है, आपको दिख रहा होगा ये लगभग 75% जो है वो सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकेगी। इसके अलावा भी मिलता है, 25% वाली भी मिलती है और 50% वाली भी एक है जो 25% सूरज की रोशनी अंदर लाने से रोकेगी। उसकी जो यहाँ पे जाली बहुत ज़्यादा रहती है और 50% में थोड़ी सी कम आपको मिलेगी और 75% बहुत गॉप्स मिलेगी आपको। तो मेरे हस्बैंड इसको लाए हैं 75% वाले, पिछले साल भी हमने लगाए थे। एक मैंने जो हमारी जो दूसरी मंजिले वाली जो टेनिस है उसमें मैंने लगाया है, जो मैं आपको ऊपर से दिखा सकती हूँ, फिर मैं दिखा देती हूँ। मैं भी 3 मंजिले वाली छत पर हूँ, मैं वो आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों, ये लगाने के बाद ये कैसे दिखते हैं, ये देखिए, ये साइड से इसे लगाया गया है और इसके नीचे काफ़ी मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस तरीके से इसे लगाया गया है, और इसके नीचे मेरे काफ़ी प्लांट्स हैं। थोड़ी बहुत प्लांट्स आपको दिखेगी जो मैं दिखा दे रही हूँ आपको, और ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा नीचे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो इसके अंदर हैं, और इधर भी मैंने कुछ पिटूनिया रखे हुए हैं। तो इससे काफ़ी हद तक सूरज की गर्मी इन पौधों को नहीं लगती है और पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप का जो सेड है आप लाके लगा सकते हैं। ये टेम्पोररी है दोस्तों, जब मान लीजिए ठंडे की मौसम आएगी तो आप आराम से इसे हटा सकते हैं और पाइप के थ्रू आप लगा सकते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे लगाया जाता है। ये दो रॉड की मदद से दोस्तों इसको दोनों छोरों को इसमें बांधा जाएगा, और ये छोर को इस तरीके से पहले आप सिलाई कर लीजिएगा, इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से आप सिलाई कर लीजिए। और ये जो देख रहे हैं ना, एक जो छोर है इस छोर में इस तरीके से होल बने रहेंगे, और यहाँ से आपको उस रॉड को घुसा देना है, जैसे पर्दे लगाते हैं ना दोस्तों उस तरीके से। हाँ जी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इस तरीके से सिखाओ, तो मैंने सिखाया, और ये देखिए उनकी ही हेल्प से ये सारे वही कर देते हैं मुझे, ताकि मुझे इतने हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगी मैं, तो ये सारे हार्ड वर्क वही कर देते हैं। हाँ, सिलने में मैंने मदद कर दी है और फिर बाकी सब लगाने में उन्हीं की मदद रहती है, और वो अच्छी तरीके से इसे लगा दे रहे हैं। बस दोस्तों इस तरीके से आपको जस्ट उसे देखिए, इस मेरा बेटा पकड़ा हुआ है और मेरे हस्बैंड उसको अच्छी तरीके से पर्दे की तरह उसे अंदर घुसा दे रहे हैं ताकि टाइट रहेगा इस तरीके से लगाने से। और अभी तो बाहर निकलने से मास्क वगैरह पहनना पड़ रहा है, तो मेरा बेटा घर में ही मास्क पहन रहा है। देखिए वो उसे वो खेल लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो अभी सभी कोई घर में ही है स्टे होम, तो वो बाहर तो जा नहीं पा रहा है, तो घर में ही मास्क पहन के घूम रहा है वो। इसी तरीके से दोस्तों आपको इसे अंदर की तरफ घुसाते जाना है। ये देखिए जैसे पर्दे होते हैं ना, बिल्कुल पर्दे की तरह। चले चले।
লাগবে না, ছেড়ে দে, লাগবে না, ছেড়ে দে। ভিডিও কর, देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है। ये देखिए ये जो दोनों छोर है आपको इस तरीके से पाइप के अंदर ऐसे ऐसे लगा देना है। ये बिल्कुल ये वाले देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल इस तरीके से, तो दो छोर, एक ये वाली और एक जो आपके नीचे दिख रही है, ये देखिए, ये देखिए ये वाली एक है, ये वाली छोर हिल रही है, तो ये वाली छोर जो है दोस्तों, ये वाली एक छोर है और एक है ये, तो इस तरीके से दोनों छोर बंध गई। उसके बाद की मैं प्रोसेस फिर आपको दिखाऊंगी कि इसे फिर कैसे लगाएंगे आप। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे वहाँ पर एक सीढ़ी है और सीढ़ी के रॉड को ही सपोर्ट मानते हुए इसे यहाँ पे लगा देना, तरह तारों की सहायता से, ये यहाँ पे तार की सहायता से ये लग रहा है। थोड़ी मेहनत तो लगती है दोस्तों, लेकिन पौधों के लिए तो इतना हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इन पौधों को हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद अगर इसे हम लोग अच्छी तरीके से ना रख सके साल भर, तो बहुत खुद को ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए इसे इस तरीके से कोशिश करते हैं हम लोग जितना भी, ताकि वो अच्छी तरीके से रहे। ये देखिए फ्रेंड्स इसे इस तरीके से प्लस की सहायता से और इस तरीके से तार की सहायता से आप इसे, अगर आपके पास इस तरह का कोई सीढ़ी हो, सपोर्ट हो, तो आप उसे इस तरीके से अच्छी तरीके से तार से लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए इस तरह का सीढ़ी नहीं है, तो आपको स्टैंड टाइप का बनाना पड़ेगा जैसे, और उसके बाद ही उसे आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये एक तरफ तो मेरा लग चुका है, और दूसरी तरफ के लिए ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट है मेरी, तो इस सपोर्ट में, दोनों तरफ के सपोर्ट में यहाँ होल बने हुए हैं, और इस होल में इसे लगा दिया जाएगा। सेकेंड वाली भी मैं दिखा देती हूँ आपको, सपोर्ट ये रही ये वाली, और एक सपोर्ट है जिसमें ये देखिए इस होल में इससे लगा दिया जाएगा, बस ये देखिए। और दूसरी वाली को ये वाली होल में, बस अब ये देखिए ये सेट बन चुका है। पौधे जो है ये सेट के नीचे है, और ये टेम्पोररी सेट है, जब भी चाहे आप अगर हटा सकते हैं, अगर आपको लगे कि जिस पौधे ठंडे के मौसम आएंगे तो ये सेट हट जाता है, और बहुत इजीली हटा दिया जा सकता है, बस वहाँ से तार खोलने पड़ते हैं और इस होल से पाइप को निकाल देना पड़ता है, और इस तरीके से ये सेट बन गया। ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी दूर से दिखा देती हूँ, तो बस ये देखिए, और ये 75% जो है हीट को नीचे नहीं आने देगा। दूसरी बात है पानी भी बहुत छन के आती है, और लाइट भी बहुत कम आती है। मेरे हस्बैंड एक एक करके बताते जा रहे हैं, क्योंकि वो जब इसको लाए थे तो बेनिफिट वगैरह पूरे पूछ के लाए थे, इसके क्या बेनिफिट है। तो गर्माहट जो लाइट का मतलब है, गर्माहट जो है वो कम आएगी इसमें, और ये मेरे पूरब की तरफ है, तो इधर से सुबह की जो धूप है वो भी लग जाएगी, जो धूप बहुत उसमें उतनी गर्माहट नहीं रहती है, लेकिन दोपहर की धूप से बिल्कुल ये बच जाएगी ये सारे पौधे। और 75% दोस्तों जो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, 75% इसमें लाइट आएगी, मतलब उतनी जो ऊपर की जो दोपहर वाली जो लाइट, जो बहुत गर्माहट, बहुत धूप, जो कड़ी धूप की जो लाइट रहती है वो नहीं आएगी,
तो इससे क्या होगा, आपके पौधे बहुत अच्छे रहेंगे दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे इस चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आपके पास जरूर आऊँगी। गुड बाय फ्रेंड्स।